हेलो ऑडियंस, वेलकम बैक टू आरडी व्लॉग्स। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी इतनी चेहरे पे मुस्कान देख के समझ गए होंगे आप लोग रिजल्ट मेरा कैसा आया होगा। अभी मैं बाहर जाके अंदर आ रहा हूँ था, घर में आ रहा था, तो ओवेश बोल के एक दोस्त है, उन्हें फोन करा। मैंने फोन करके बोला पट्टे रिजल्ट आएगा, मेरे तीन पेपर आम क्लियर हो गए। बोला अरे बहुत खुश हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है रे भाई, क्या बात है, मुबारक मुबारक बोल दिया। उसके बाद घर की दहलीज पे खत्म रखा, जब से दिल धक धक मार ले रहा, लेफ्ट हाथ कांप रहा, पैरा ऐसा थर 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 कांप रहे पैरा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। लोग रिजल्ट आया बोल तो घर वालों को बिना बोले के अकेले फोन खोल लेके देख लेते, अपने को वो आदत नहीं है। अपन क्या करे, सीधा अम्मा बाबा के पास भागे। अम्मा सोरेन से अम्मा को उठाया, अम्मा नहीं उठे। फिर अम्मा को बोला मैं, अम्मा जी रिजल्ट आ गया मेरा। बोलती कि अम्मा सब चमक के ऐसा नींद में सो गए, बाबा वहाँ से क्या हुआ बेटे, फिर रिजल्ट का क्या हुआ? बोला आप लोगों के बगैर देखता हूँ क्या? मैं बोल के बोला तो हाँ नहीं देखता बेटे, आखिरकार तू सुधर गया बोल, कैसा है कि करके गिर के पढ़ के मर के फिर कुछ तो भी करा, उसके बाद लाइन पे आ गया। बोल अल्लाह ऐसी पढ़ो तुम, अच्छा पढ़ो बाबा, ये टाइमा खराब न को करो, ऐसा वैसा बोल के अबू समझाए के बाबा थोड़ी दुआ दिए, अम्मा थोड़ी नमाज, अम्मा नमाज पढ़े। अम्मा बोले मेरे को भी नमाज पढ़ो। मैं नमाज पढ़ूँ, जोर की नमाज पढ़ा, उसके बाद में दो रकात हाजत के नमाज पढ़ो। मैं भैया उन लोगों को फ़ोन करके बोल दिया उससे पहले, भाई मेरा रिजल्ट आया देखो बोल के। उन लोगों को बोला दो तीन भाइयों को फ़ोन करके बोला भैया रिजल्ट आया दुआ करो, मेरा दिल मान ले रहा है क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा बोल के बोला। तो भैया क्या करे, ठीक है मैं करता हूँ दुआ करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम पढ़ ले भाई, तू पास हो जाता, मेरे को मालूम, मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है, तू निकाल लेता पेपर बोल के बोले। ऐसा बोले, उसके बाद थोड़ी हिम्मत आई, फिर भी दिल मार ले रहा था धक 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 था। वो मार लेना भी जरूरी है, अगर दिल मार लेना रुक गया तो अपन चल जाते। मार ले रहा था दिल, गया वजू करा, फौरन गया, जोर की नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के दो रकात नमाज हाजत के पढ़ो। पहली रकात में हूँ, अब्बू को फोन आया, एक अब्बू को फोन आया, अब्बू बात करें तो उसमें खाली एक ही वर्ड सुने आया, जबकि का रिजल्ट आया कहते ना अबू। बोल तो हाओ बेटे आया कहते, बच्चा नमाज पढ़ा, नमाज पढ़े बाद देखता वो। तो फिर सामने से आवाज आई मुबारक अबू। बोलते हुए कि भाई इतना खुश हो गया, नमाज में बोल यार, नमाज में आंसू निकल गए। अब अम्मा बाबा आ गए, ऐसा इधर से उधर से आ गए, अरे रुको रो बेटे रुको रो। उसके बाद वही हालत में पूरी नमाज कंप्लीट करके खत्म, ऐसा गिर गया मैं। टर्न टू अल्लाह बिफोर यू रिटर्न टू अल्लाह, बात वाकई बहुत सच्ची है भाई, बात वाकई बहुत सच्ची है। आप कितने भी गुनाह करो, कुछ भी करो, अगर सही टाइम पे दिल से तौबा कर लेके पलट गए ना। एक कोट पढ़ा था मैं, एक शायर लिखे थे, उन्होंने बोले कि आप उसके कदमों में झुक जाओ, उन्हें सारी कायनात तुम्हारे कदमों में रख देता होगी। वो छुपा देखो, आज अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है, पास करा दिया मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है, बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन देख सकते मैं कितना हूँ। नमाज पढ़ा सब टोपी भी सर पे है, छूट नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह देख रहा हूँ ऊपर। और हाईलाइट बात क्या है मालूम, वो जो PDF भेजे, वो PDF में कैसा रहता है, एक पासिंग के मार्क्स आते शायद और एक फेल के मार्क्स। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कन्फर्मेशन भी नहीं है, मैं खुद मेरी आंखों से नहीं देखा मेरा रिजल्ट, भैया बोले सो उस पर भरोसा कर लेके बैठा हुआ। तो एक पासिंग लिस्ट रहती, पासिंग लिस्ट में आया तो समझ जाना आप पास हो गए, ठीक है। तो ऐसा एक एक सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता, आपका रिजल्ट आया तो डायरेक्ट तीन सब्जेक्ट का एक में चला जाता, आपका नंबर पासिंग लिस्ट में आ गया बोलते आप समझ जाना तीनों पेपर हम पास हो गए आपके। तो हमारे साथ भी ऐसी कुछ हुआ समझो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोगों की दुआएं हैं, मेरी थोड़ी मेहनत है, बस अल्लाह ताला पास करा दिया। टाइम वो मोमेंट कैसा था मालूम, मेरे वास्ते आखिरी के दो महीने पहले नोटिस आई थी कि भाई एग्जाम्स आपके दो महीने से स्टार्ट होंगे बोल के, मेरा प्रिपरेशन 0% था, जीरो, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे 0%, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा था। तो मैं क्या डिसाइड करा, एक महीने में पूरा एनाटॉमी पढ़ लेंगे सोचा, उसके बाद में 15 दिन में बायोकेमिस्ट्री, 15 दिन में फिजियोलॉजी, और हमारी किस्मत कुछ और लिखी हुई थी, एनाट पढ़े तक का 1.5 महीना हो गया, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री पढ़े तक का एग्जाम की डेट आ गई, आखिरी के 4 दिन बचे हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री खत्म हुआ मेरा, फिजियोलॉजी पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं पढ़ा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, यकीन मानो टोपी है सर पे, झूठ नहीं बोलो। फिर उसके बाद में मैं बोला ये 4 दिन मैं जो है क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव पढ़ता हूँ, अगर मैं तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करा तो खुदा ना खास्ता फेल होने के चांसेस है। तो मैं क्या डिसाइड करा, मैं जो जो पढ़ लिया बस उसको परफेक्ट कर लेता हूँ, जाके एग्जाम में लिख देता हूँ, बाकी तीसरा पेपर अल्लाह ताला कर देता। तो 4 पेपर है बहुत अच्छे गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन लिख के आया। 4th पेपर लिख के आए बाद
फिफ्थ पेपर को एक दिन का गैप था, तो फोर्थ पेपर लिख के आए जब से फिफ्थ पेपर लिखने गए तक एक मिनट भी नहीं सोया मैं, एक मिनट भी, पूरा 48 घंटे होशियार था मैं, पढ़ लेते मेरी बुक के सामने, और जो जो पढ़ते गया वो टाइम पे भी मैं लिख लेते पढ़े ना भाई, सही बोल रहा हूँ, इतना प्यारा दिमाग में रहता है वो भूल जाते होंगे आपको अलग बात है, लेकिन एग्जाम तक जो दिमाग में बैठता ना, आए हाय, वो बहुत जबरदस्त वे ऑफ लर्निंग है मेरे पास। उसके बाद फिर नहीं सोए, दो घंटे सोया, उसके बाद फिर होशियार था, फिर एक दिन पूरा चले गया, वो पेपर लिख के आया सो दिन चले गया, उसके बाद जो छुट्टी है वो दिन चले गया, उसके अगला दिन जब पेपर है 10 बजे वो दिन भी नहीं सोया मैं, पेपर लिख के आया पूरा, मानो पूरा पेपर पूरा इतना जबरदस्त लिख के आया, एग्जाम हॉल से निकला था मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था, अरे ये मैच हूँ क्या, इतना अच्छा मैच लिखा गया पेपर बोल के, इतना खुश था मैं पेपर लिख के आए बाद, बयान नहीं कर सकता मैं, हमारे अम्मा बाबा को बोला, इवन मैं मेरी छोटी बहन को बोला था, बाप देख दो सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा, तीसरा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ा, तीसरा सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री में निकाल लो, तो नहीं होता मेरे से पढ़ना, दिमाग पे बार पड़ रहा कैसा की छोरा बोल के बोला था मैं उसको, उन्हें हिम्मत दिलाई, और एक जने हैं उन्होंने भी हिम्मत दिलाई, बेचारे पढ़ ले सकते तुम, तुम्हारा को क्या है यार, तुम कुछ भी नहीं, तुम कर ले सकते बोल के रात रात भर हिम्मत दिलाई इस वाले। तो बहरहाल मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों की दुआ थी, घर वालों की दुआ है, लोगों की फिक्र है, बहरहाल अपन जो है क्लियर कर लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम ORD व्लॉग्स। थैंक यू।